गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग नाभिकीय रसायन पढ़ रहे थे, इसी में आगे करेंगे। और आज अभी अपन पढ़ेंगे गामा किरणों के बारे में। अल्फा किरण के गुण पढ़ चुके हैं, बीटा किरण के गुण पढ़े हैं, आप कौन सी किरणों के गुण पढ़ेंगे? अपन तीसरी प्रकार की किरण है, ये है गामा किरण, है ना। जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था तो उन्होंने क्या देखा था कि लेड के बॉक्स में अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व को रख दिया जाए और विद्युत प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो धन प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, और कुछ किरणें ऐसी भी होती हैं जो दोनों प्लेट की ओर आकर्षित ना होकर के सीधे निकल जाती हैं। अर्थात वो किस प्रकृति की होंगी? उदासीन प्रकृति की होती हैं। जब इन किरणों का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि ये जो गामा किरणें हैं, ये गामा किरणें किसी भी विद्युतीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित नहीं होती हैं, अर्थात ये उदासीन प्रकृति की हैं। ये किरणें फोटोन से बनी हुई होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बीटा किरण होता है, बीटा किरण के द्वितीयक प्रभाव के द्वारा गामा किरणों की उत्पत्ति हुई है। कैसे? जैसे कैथोड किरणें हैं, है ना, कैथोड किरणों से एक्सरे की उत्पत्ति होती है। रोटेनजेन ने क्या किया था? कैथोड किरणों से एक्स किरणों की खोज की थी, उत्पत्ति की थी। वैसे ही ये माना जाता है कि बीटा किरणों के द्वारा गामा किरण की उत्पत्ति हुई है। तो इन्हों सेकेंडरी रेज अपन मान सकते हैं। ये फोटोन से बनी हुई है। किस चीज से बनी हुई है? फोटोन से बनी हुई है। तो ये बोला जा सकता है कि ये अद्रव्य है, नॉन मटेरियल, नॉन मेटल, मेटल नहीं, मटेरियल, मैटर, है ना, अद्रव्य। अद्रव्य, अद्रव्य क्यों है? क्योंकि किससे मिलके बनी हुई है? बीटा किरणों के द्वारा उत्पत्ति हुई है और यह फोटोन से बनी हुई है, फोटोन के द्वारा बनी हुई होती है। तो इन किरणों को कहा जाता है गामा किरणें। इनमें कोई भी आवेश नहीं है, इसीलिए तो जब विद्युतीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित नहीं हो रही है और ये सीधे निकल जा रही है ना। इनका वेग, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। 3×10^10 मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग है, प्रकाश के वेग के बराबर ही इन किरणों का वेग भी होता है। फिर गतिज ऊर्जा, फोटॉन बहुत ही हल्के कण हैं, फोटॉन बहुत हल्के कण होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी। तो गतिज ऊर्जा 0.1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी तक गतिज ऊर्जा इसकी होती है, ठीक है। हल्के कण है क्योंकि, है ना। अब इसके बाद भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, चूंकि सबसे हल्का कण है तो इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। यह 5 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की शीट को भेद सकता है,
5 सेंटीमीटर. अभी तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़े थे, 1 mm, नहीं 0.1 mm, है ना. एल्यूमिनियम की शीट को भेद रही थी अल्फा कण, 0.5 mm एल्यूमिनियम की शीट को भेज रही थी बीटा कण, लेकिन ये 5 mm एल्यूमिनियम शीट को भेदने की क्षमता रखती है. ठीक है, तो ये हो गया इसकी भेदन क्षमता. इसके पश्चात गैसों को आयनित करने का गुण, गैसों को बहुत कम आयनित करती है, गैसों को आयनित करने का गुण बहुत ही कम होता है. गैसों को आयनित करने का गुण बहुत कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्के कण हैं, बीटा कण से भी हल्के होते हैं, इसीलिए इनके आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है. गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, है ना. हल्के होते हैं तो अगर गैस से टकरा भी रहे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इसके पश्चात विद्युतीय क्षेत्र में तो मैं बता चुकी हूँ, उदासीन प्रकृति की, तो ना ये विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होगी और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है. अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट पे और जिंक सल्फाइड पे दोनों में बहुत ही कम प्रभाव छोड़ती है. गामा किरणें जिंक सल्फाइड पे अगर पड़ती है तो स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है ना, तो ना तो ये ज्यादा स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर पाते हैं और ना ही फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर पाते हैं. ये हो गया गामा किरणों की विशेषताएं. मैंने पिछले कालखंड में आपको बताया था अल्फा किरणों की विशेषता, बीटा किरणों की विशेषता, और आज अपन ने पढ़ा है गामा किरणों की विशेषता. अब हमें इन तीनों किरणों की तुलना करना है. अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, इन तीनों की तुलना करेंगे. तुलना करना है तो आप एक एक गुण लेते जाइए और उस गुण की तीनों से तुलना करते हुए चलते जाइए. ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे द्रव्यमान या भार. पहला गुण कौन सा हो गया? द्रव्यमान, या इसी को अपन क्या नाम से जानते हैं, भार बोलते हैं. अल्फा विकिरण जो होता है इसका भार कैसा होता है, कितना है, 4 amu, 4 atomic mass unit, है ना, एटॉमिक द्रव्यमान यूनिट किसका, अल्फा किरणों का. बीटा का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है, तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं, या ये बोलें कि यह हाइड्रोजन के भार का 1/1828 इतना हल्का कण होता है. कौन सा, बीटा कण. तीसरा गामा किरण, गामा किरणें इसका भी वेट को हम, इसका भी भार को हम नगण्य मान सकते हैं, है ना. तो ये हो गया तीनों में पहला अंतर द्रव्यमान के बारे में. दूसरा आवेश, आपको मैंने पढ़ाया था जब अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण, तब भी आपको पढ़ाते समय इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ाया था कि आगे चल के इनकी तुलना करना है हमें और कौन कौन से गुणों के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं, है ना. तो अब तुलना करने में हमको सहायता होगी या सरलता होगी. आवेश, अल्फा किरणों में 4 धन आवेश होता है, बीटा किरणों में 1 ऋण आवेश होता है, और गामा किरणों में कोई भी आवेश नहीं होता. प्रकृति, तीसरा प्रकृति,
अल्फा किरणों को हीलियम नाभिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसका भी परमाणु भार 4 होता है, और इसमें से अगर जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो अल्फा किरणों के सदस्य के बराबर हो जाते हैं। तो इसका इसकी प्रकृति हीलियम के नाभिक के बराबर, हीलियम के नाभिक के समान। बीटा किरणों की प्रकृति कैसी है? इलेक्ट्रॉन के समान। और गामा किरणों की प्रकृति फोटोन किसके समान है? फोटोन के समान होती है। ठीक है, आवेश में बताया था ये धन आवेश बीटा किरण ऋण आवेश और वो उदासीन था, लेकिन प्रकृति में हीलियम नाभिक के समान है ना, थोड़ा कंफ्यूजन जो हो रहा है आपको उसको समझ लीजिए। हीलियम नाभिक के समान किसकी? अल्फा किरणों की। बीटा किरणों की इलेक्ट्रॉन के समान और गामा किरणों की फोटोन है ना। इसके बाद फिर वेग, हमें मालूम है ये किरणें बहुत तेजी से गति करती हैं, इतना तेज होती है कि इसके वेग को हम प्रकाश के वेग से तुलना कर सकते हैं। तो अल्फा किरणें जो होती हैं प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होती है। दूसरा, बीटा किरणें प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होती हैं, और गामा किरणें ये भी प्रकाश के वेग के बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वेग के बाद गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से गति कर रही है, इसके कारण इनमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है गतिज ऊर्जा हो गई। अल्फा किरणें, चूंकि अल्फा किरणें भारी हैं है ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। कितनी थी बताया था मैंने आपको पिछले चैप्टर में, कितनी होती है? 4.9 MeV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद बीटा किरणों की 0.5 से लेकर के 2 MeV तक, और तीसरा गामा किरणें वो 0.1 से 2 तक। तो ये हो गई इनकी गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा अल्फा किरणों में होती है, फिर बीटा किरण, और उसके बाद फिर गामा किरणों में होती है। गतिज ऊर्जा के पश्चात पढ़ेंगे हम भेदन क्षमता, छठवां पॉइंट ये गतिज भेदन क्षमता। अल्फा किरणें 0.1 mm एल्यूमिनियम की शीट को भेद सकती हैं, बीटा किरणें कितना? 1 mm बीटा किरणें 1 mm एल्यूमिनियम शीट को भेदती हैं, और गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, कितनी? कितनी? 5 cm। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरणों की है, इससे 10 गुना अधिक बीटा किरणों की, और उससे 1000 गुना अधिक गामा किरणों की भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता के बाद नेक्स्ट है गैसों को आयनित करने की क्षमता, सातवां, गैस को आयनित करने की क्षमता। अल्फा किरणें होती हैं, अपने को पता है कि अल्फा किरणें सबसे भारी कण होते हैं, और इस कारण इनकी ऊर्जा उच्च होती है। उच्च ऊर्जा होने के कारण गैसों से टकरा करके इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की जो क्षमता है सबसे अधिक किसके पास होती है? अल्फा किरणों के पास होती है, क्योंकि सबसे भारी है, इसलिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती है ना। उससे कम आयनन ऊर्जा या गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है वो किसके पास होगी? बीटा किरणों के पास, और सबसे कम होती है गामा किरणों के पास, है ना, क्योंकि अपन उसको क्या बोल रहे हैं? अद्रव्य है, नॉन मैटर पदार्थ
ना होकर के, वो फोटोन से बना हुआ है ना, ऊर्जा है वो तो एक प्रकार की, ठीक है। तो इसलिए गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे कम किसके पास हो गई, गामा किरणों के पास। फिर फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करना, फोटोग्राफिक प्लेट, तो जो अल्फा किरणें होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है बहुत ज्यादा, और इसके साथ साथ जिंक सल्फाइड की प्लेट को भी प्रभावित करती है। लेकिन बीटा किरणों की विशेषता है अल्फा किरणों की तुलना में कम प्रभावित करती हैं और गामा किरणें सबसे कम। तो फोटोग्राफिक प्लेट को और जिंक सल्फाइड के ऊपर जो स्फुट दीप्ति बनाते हैं सबसे ज्यादा किसका गुण हो गया, अल्फा किरणों का, उससे कम बीटा किरणों का, और सबसे कम होगा गामा किरणों का। तो ये हो गया तुलना किसकी, अल्फा बीटा और गामा किरणों की, है ना। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे विघटन का कारण, रेडियो एक्टिव विघटन और उसका कारण। रेडियो एक्टिव विघटन का कारण, रेडियो एक्टिव विघटन का कारण, रेडियो एक्टिव विघटन का जो कारण है वह कारण है एनपी अनुपात, एनपी अनुपात। अब ये एनपी अनुपात क्या है, एनपी अनुपात क्या है, नाइट्रो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वो कहलाता है एनपी अनुपात। अपन कोई भी एक तत्व के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कार्बन ले लिया, कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है, परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 4, मतलब परमाणु क्रमांक 6 है अर्थात प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, है ना। तभी तो इसका भार 12 हो गया, आया समझ में, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6, तो इसका भार आ गया 12। तो एनपी अनुपात क्या होगा, न्यूट्रॉन का भार यानी 6/6=1, आया समझ में। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, परमाणु क्रमांक 8, तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होगी, तो इसका 8/8=1, इसका अनुपात भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया। कुछ विषम संख्या वाले को ले लेते हैं अपन, जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु भार हो गया 23 और परमाणु क्रमांक हो गया 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अब 11 × 2 = 22 होता, 1 न्यूट्रॉन और बढ़ेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 12 और प्रोटॉन की संख्या हो गई 11,
तो 12/11 बराबर 1.08 या 1.09 कुछ आएगा, 1.08 या 1.09 इस टाइप से आएगा, है ना, 1.08, ठीक है, या 1.09 देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एनपी का जो अनुपात है ये 1 या 1.0 ज्यादा से ज्यादा 1.1, 1.2 तक के वाले जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थाई होते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर एनपी अनुपात हो जाता है, एनपी का अनुपात यदि 1.5 या उससे अधिक हो गया तो वे तत्व हो जाते हैं अस्थाई, जैसे यूरेनियम, यूरेनियम 238 और 92, ठीक है, परमाणु भार हो गया 238, परमाणु क्रमांक हो गया 92। तो अब ये आप बताइए कि इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, क्योंकि हमें मालूम है परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, 92 आ गई। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 238 में से 92 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 146 आया ना, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है ये अनुपात हो जाएगा 146/92। तो ये आ जाएगा, अगर इसका भाग दें तो हमें मिलेगा 1.5। तो वे पदार्थ जिनका एनपी अनुपात 1.5 या उससे अधिक होता है वे तत्व अस्थाई होते हैं, और अस्थाई होने के कारण ये रेडियो एक्टिव विघटन का कारण बनते हैं, मतलब इनमें से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। ये किरणें कब तक निकलेंगी, जब तक कि कोई तत्व अस्थाई तत्व स्थाई में परिवर्तित ना हो जाए, ठीक है। तो नाभिक के रसायन में रेडियो एक्टिव विघटन का कारण अपन ने जाना है ना, क्या कारण होता है, एनपी अनुपात अगर 1.5 या उससे अधिक होता है तो वे तत्व कैसे हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं, और यदि उससे कम है, 1 या 1.5 के बीच में अगर है तो वो कैसे होंगे, स्थाई होते हैं। अब रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत, कारण तो हो गया, अब रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। रदरफोर्ड शुरू से ये अपन जान रहे हैं कि वो नाभिकीय रसायन के ऊपर कार्य कर रहे थे या रेडियोएक्टिव तत्वों के ऊपर कार्य कर रहे थे, उनके साथ शोडी नामक एक वैज्ञानिक थे। तो रदरफोर्ड और शोडी, यहां लिखो फोर्ड व शोडी, ये दो वैज्ञानिक थे जो रेडियोएक्टिव तत्वों के ऊपर कार्य कर रहे थे, और उन्होंने अपना एक सिद्धांत बताया जिसे रेडियोएक्टिव विघटन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, रेडियोएक्टिव विघटन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या था, तो रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणु अस्थाई होते हैं। क्या बताया, सबसे पहले ये बताया कि रेडियोएक्टिव तत्व के जो परमाणु हैं वो कैसे हैं, अस्थाई हैं। अस्थाई होने के कारण इनसे पूरे समय अल्फा बीटा और गामा विकिरण निकल रहा है, कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व है उससे लगातार अल्फा बीटा गामा विकिरण निकल रहा है, और इसके कारण ये तत्व कैसे हो गए, अस्थाई हो गए। दूसरा,
जब अल्फा बीटा गामा विकिरण निकलेंगे तो ये एक नए तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे, नए परमाणु बना लेंगे या नया तत्व बन जाएगा ना। यह नया तत्व या नए परमाणु का बनना किस बात पर निर्भर करता है कि उससे जो विकिरण निकल रहा है, अल्फा विकिरण निकला या बीटा या गामा, किस प्रकार का या कौन सा विकिरण इसमें से निकल रहा है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है बनने वाला नया परमाणु या तत्व। जो नया तत्व बनता है, नया परमाणु जो बनता है, इसके जो गुण होते हैं नए तत्व बनने से, क्योंकि मैंने कहा तत्व बन रहा है, नया परमाणु या नया तत्व बन रहा है, तो अर्थात इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी कैसे हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है, जब इसमें से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, तो एक नए तत्व का निर्माण होता है, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, और वह पदार्थ भी कैसे प्रकृति का होगा, रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। तो क्या ये पूरे समय रेडियो एक्टिव ही में पदार्थ बनाते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनसे जब विघटन होते जाता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ बनते जाते हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब वो अस्थाई नाभिक किसी स्थाई नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही वो स्थाई में परिवर्तित हुआ, उसके आगे विघटन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगला, ये जो नया परमाणु बन रहा है, तो ये इसमें कौन सा कण निकला, इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि क्या उससे अल्फा किरण निकली, क्या उससे बीटा किरण निकला, और या फिर गामा। तो किस प्रकार का विकिरण निकल रहा है ये पता चलेगा। जैसे अपन बोलते हैं जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें कैसे पैदा हो रही हैं, कैसे उत्पन्न हो रही हैं, बीटा किरणों के द्वितीयक प्रभाव के द्वारा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे कैथोड किरणों से एक्सरे उत्पन्न होती है, वैसे ही बीटा किरणों से गामा किरणें उत्पन्न होती हैं, है ना। इसके बाद आयन, जो उत्पन्न पदार्थ होता है, उत्पन्न परमाणु होता है, वह किस प्रकृति का होगा, उसका परमाणु भार क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, है ना। तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, यह निर्भर करेगा उत्सर्जित कण की प्रकृति के ऊपर, कण की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का कण उत्पन्न कण उत्पन्न हुआ, किस प्रकार का कण निकला, और उससे जो तत्व बना वो कौन सा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम पढ़ते हैं कणों का उत्सर्जन। मान लीजिए पहले अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, अल्फा कण उत्सर्जन, अपने को पता है अगर एक अल्फा कण है तो उसका भार हीलियम के नाभिक के भार के बराबर, और आवेश कितना होगा, दो होता है ना। तो यदि इसमें से किसी रेडियो एक्टिव तत्व में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक्स है, इसका परमाणु भार हो गया ए और परमाणु क्रमांक हो गया जेड। इसमें से अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, इसमें से अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो कौन सा पदार्थ बनेगा, वाई बन गया। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, ए माइनस फोर, और परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, जेड माइनस टू। समीकरण पूर्ण हो गया क्या, नहीं, हमको इसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है ना,
तो हीलियम इसका भार 4 और परमाणु क्रमांक 2। इस तरीके से किसी नाभिकीय समीकरण को लिखा जाता है ना। ये किसके लिए है? अल्फा कण के उत्सर्जन के लिए। अब अपन उदाहरण देख लेते हैं, यूरेनियम ही ले लेते हैं। चलिए 238 आपको बता चुके हूँ, परमाणु भार यहाँ लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक नीचे, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92। जब इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, क्या होगा? परमाणु भार में कितनी कमी आएगी? 4 की, और परमाणु क्रमांक में 2 की। तो बनने वाला जो पदार्थ होगा वो पदार्थ होता है थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 90 और 234। यूरेनियम है 238 92, इससे एक अल्फा कण निकल गया। जब एक अल्फा कण निकला तो इसका भार हो गया, इसका भार 234 हो गया और परमाणु क्रमांक हो गया 90, प्लस हीलियम 4 और 2। चलिए अब एक एग्जांपल आप लोग करके दिखाइए। मान लीजिए हमने ले लिया रेडियम, रेडियम परमाणु भार 226 और परमाणु क्रमांक 88। रेडियम 226 और 88 है ना, इसमें से एक अल्फा कण निकलना है। जब इसमें से एक अल्फा कण निकलेगा तो बनने वाला जो पदार्थ होगा, ठीक है, अब यदि आपको उसका पदार्थ का नाम नहीं मालूम है तो आप एक्स कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हैं। इसका भार कितना हो जाएगा और क्रमांक कितना हो जाएगा बताइए? 222 परमाणु भार हो गया और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 86, ठीक है। तो 86 परमाणु क्रमांक वाला पदार्थ हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर अल्फा कण निकलता है तो इतना में पर्याप्त नहीं, इसको हमको पूरा समीकरण पूरा करना पड़ेगा ना, 4 और 2, ठीक है। अब अल्फा कण का उत्सर्जन समझ में आया? जब कोई भी एक पदार्थ से, रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा किरण अगर निकल रही है, एक अल्फा कण अगर निकल रहा है, तो एक अल्फा किरण के कण के निकलने से उसके परमाणु भार में 4 की कमी आई और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आई, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा कण का उत्सर्जन? बीटा। कोई भी पदार्थ है, अच्छा 86 था ना परमाणु क्रमांक, हाँ। अगर वो, वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, वो बनता है रेडॉन, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आप उसको एक्स या वाई इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, पदार्थ का अगर नाम आपको नहीं ज्ञात है तो। और आवर्त सारणी में आप देखेंगे कि परमाणु क्रमांक तो निश्चित होगा, किसी भी पदार्थ का परमाणु क्रमांक निश्चित होगा, लेकिन परमाणु भार में कम या ज्यादा हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि उससे जरूरी नहीं है कि अल्फा ही कण निकल रहा है, उससे बीटा कण भी तो निकलेगा। तो जब बीटा कण भी निकलेगा तो उसका भार परिवर्तित रहेगा लेकिन क्रमांक बदल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब अपन पढ़ेंगे बीटा कण का उत्सर्जन। बीटा कण जो होता है नाभिक के न्यूट्रॉन से बनता है, ठीक है। बीटा कण का उत्सर्जन कहां से हो रहा है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन के द्वारा। तो ये जब उत्सर्जित होगा तो क्या बनाएगा? एक प्रोटॉन
धन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और धन बीटा कण। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, थोरियम ले लीजिए। थोरियम परमाणु क्रमांक होता है 90 और परमाणु भार होता है 232, ठीक है। अगर इसमें से कौन सा कण निकालना है, अब अपने को कौन सा कण निकालना है, बीटा कण निकालना है। तो जब एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आएगा, बताइए। जो पदार्थ बन रहा है, बनने वाला पदार्थ होता है, उसका परमाणु भार तो वही होगा, क्योंकि क्यों वही है, क्योंकि बीटा कण इतना हल्का होता है कि उसके भार को अपन नगण्य मान लेते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है, तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 90 था, अब कितना हो गया, 91। प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस 1, है ना। वहां एक हीलियम का नाभिक के बराबर आवेश और भार कम हुआ था, यहां किसके, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भार इतना हल्का है कि उसके भार को तो अपन नगण्य मान लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन में आवेश तो है, कौन सा आवेश, एक ऋण आवेश है, अर्थात परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगी। आया समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल आप लोग करके दिखाइए। यूरेनियम ही ले लीजिए, यूरेनियम 238 92, इसमें से यदि एक बीटा कण निकलता है क्या होगा, है ना, क्या बनेगा, जो भी पदार्थ बन रहा है, अभी मैं उसको x प्रदर्शित कर रही हूं, नाम बताऊंगी, परमाणु भार कितना हो जाएगा, अब इसका 238 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर निकल रहा है, वेट नगण्य, लेकिन परमाणु क्रमांक परिवर्तित हुआ, कितना हो गया, 93 93, प्लस ए, इसका वेट 0 और आवेश 1, है ना। तो ये हो गया बीटा कण का उत्सर्जन। ये जो पदार्थ होता है 93 परमाणु क्रमांक नेपच्यूनियम का है ना। तो इसलिए मैंने इस टाइप से ऐसे लिख करके कहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है, आपको तरीका तो आ रहा है, आपको मालूम है कि अगर अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु भार 4 कम हो जाएगा और परमाणु क्रमांक 2, या बीटा कण निकला परमाणु भार वैसे रहेगा, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया, इतना आप जान रहे हैं। लेकिन बनने वाला पदार्थ कौन सा है, ये पदार्थ का नाम आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, z लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, या a b c करके लिख सकते हैं, ये डिनोट करेगा। इसमें आपको ऊपर की ओर परमाणु भार लिखना है, नीचे परमाणु क्रमांक लिखना है, प्रश्न को ऐसे ही नहीं छोड़ देने का है ना। ये हो गया बीटा कण का उत्सर्जन। आप कौन सा पढ़ना है, गामा। गामा कण का उत्सर्जन अगर हो रहा है तो उसके परमाणु भार में क्या परिवर्तन आएगा, बताइए। परमाणु भार भी जैसा था वैसा ही होगा, क्योंकि ये इतने हल्के कण होते हैं कि इसके भार को भी हम नगण्य मान सकते हैं, और चूंकि ये उदासीन प्रकृति के हैं, है ना, तो इसका इससे परमाणु भार में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और ना ही परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन आ रहा है। तो अगर गामा कण का उत्सर्जन कर रहे हैं किसी भी पदार्थ में, हम फिर से यूरेनियम ही लेके चलते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक इतना ही रहेगा, परमाणु भार भी उतना ही रहेगा, बस इसमें से एक गामा कण
निकल जाएगा। आया समझ में? ये हो गया किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन, है ना। ये गामा कण का उत्सर्जन, गामा कण का अगर उत्सर्जन किया जा रहा है तो गामा कण के उत्सर्जन में ना तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन आ रहा है और ना ही परमाणु क्रमांक में। अब ऐसा नहीं है कि एक तत्व से केवल एक बार एक अल्फा कण निकल गया, उसके बाद और कोई कण नहीं निकल सकता। एक अल्फा कण निकला, उसके बाद दूसरा भी अल्फा कण निकल सकता है, या एक अल्फा कण के बाद एक बीटा कण निकला, फिर बीटा कण के बाद फिर से बीटा कण निकल सकता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको, ये तो हमारे थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए है, हालांकि उससे किरणें तो उत्सर्जित हो ही रही है, लेकिन जब एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आता है, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, है ना। अपने को पता है कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है तो उससे अल्फा बीटा गामा किरणें पूरे समय निकल रही हैं। कब तक निकल रही हैं? जब तक है कि वो पदार्थ कोई स्थायी नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। परंतु अभी हम यहाँ पे किस चीज को पढ़ रहे हैं कि यदि एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार में क्या परिवर्तन आएगा और परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आएगा, और दूसरा यदि बीटा कण निकल रहा है तो भी उसके परमाणु भार परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आएगा, या यदि गामा कण निकलता है तब भी आपको ये देखना है कि उसके परमाणु भार में और परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल लेकर के अपन पढ़ते हैं। पदार्थ कौन सा लूं? यूरेनियम ही लेती हूं, 238 और 92, 235 भी हो सकता है। यूरेनियम का दूसरा समस्थानिक होता है 235 और रेडियो एक्टिव होता है 238, लेकिन परमाणु क्रमांक कितना होगा? 92 ही होगा। यदि इसमें से एक अल्फा कण निकल रहा है, एक अल्फा कण निकल रहा है तो पदार्थ बन रहा है एक्स, उस एक्स का परमाणु भार परमाणु क्रमांक बताइए, फिर इसके बाद फिर से एक अल्फा कण ही निकल रहा है, इससे बन रहा है वाई, इसका परमाणु भार परमाणु क्रमांक बताइए, और उसके बाद फिर एक बीटा कण निकल रहा है तो बन रहा है पदार्थ जेड। यूरेनियम 235 और 92 हमने लिया, इसमें से पहले एक अल्फा कण निकालिए तो एक्स पदार्थ बनेगा, परमाणु भार कितना हो जाएगा? 4 कम कर दीजिए, 234 और 90, ये बन गया एक्स, है ना, बना ना। हाँ, इसके बाद दूसरा फिर से अल्फा कण ही निकल रहा है, तो जब दूसरा अल्फा कण निकलता है तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 230, लेकिन परमाणु क्रमांक अब कितना हो गया? 88 हुआ। यहां से एक अल्फा कण निकला 90 और एक और अल्फा कण निकला 88। अब क्या बोल रहा है? बीटा कण निकल रहा है, बीटा कण निकला, परमाणु भार कितना हो गया? 230 ही रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 89। आवर्त सारणी पढ़ा रही थी, एक्टिनियम 89 होता है, बता चुकी हूं आपको पहले भी। ठीक है, तो ये जो एक्स पदार्थ बना, इसका परमाणु क्रमांक 90 हो गया, परमाणु भार 234 हुआ। फिर से अल्फा कण हमने निकाल दिया तो उसका परमाणु भार हो गया इतना, परमाणु क्रमांक ये। अब बीटा कण निकाल रहे हैं, है ना, बदल देते हैं इसको, बीटा कण निकल गया पहले, एक बीटा कण निकाल दीजिए पहले, फिर अल्फा कण निकालिए, फिर बीटा कण निकालिए, तो एक्स, ये वाई और ये जेड। बीटा कण निकला, परमाणु भार कितना हुआ? 238, परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 93। दूसरा बीटा कण, दूसरा अल्फा कण निकला है तो हो गया 230,
फोर, 93 का कितना हो गया 91, फिर बीटा कर्ण निकला 234 और 92। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले अल्फा कर्ण, हमको तो एक कर्ण निकालना है और उसका ही भार को देखना है। तो जब एक अल्फा कर्ण निकलेगा तो उसके भार और क्रमांक में क्या परिवर्तन आएगा, एक बीटा कर्ण निकलेगा उसके भार और क्रमांक में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन में जब अल्फा और बीटा कर्ण निकलते हैं तो उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में परिवर्तन आता है। चलिए, थैंक यू।